नमस्कार, मैं हूं प्रकाश तिवारी और इस समय मैं बैठा हुआ हूं ग्राम पंचायत का चुनाव जो चल रहा है उसको लेकर के कैसी तैयारी है और क्या जो है मतदाताओं के बीच में और प्रधानों के बीच में और प्रत्याशियों के बीच में कैसी जो है दौड़ भाग, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में चर्चा करने के लिए इसमें मोहनलालगंज के दैयर ग्राम सभा के प्रत्याशी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं लक्ष्मण प्रसाद, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है और उनका नाम है श्रीमती सोनी। इससे पहले सर जो है आप प्रधान रहे हैं या मतलब नहीं, हमारी 10 साल जो हमारी भाभी रही। अच्छा, और हमारी माताजी 5 साल प्रधान रही। मौजूदा इस समय आप नहीं? मौजूदा इस समय नहीं। अच्छा, इसके पहले वाले चुनाव में हार गए। इसके पहले वाले चुनाव में आप हार गए। क्या ऐसी कमियाँ रह गई थी जो आप हार गए थे, जो अब जब जीतेंगे तो पूरा करेंगे? दरअसल ये हुआ ना कि कुछ कारण होते हैं ना कि जनता को जब विकास ज़्यादा मिल जाता है लाभ, तो समझता है कि अभी प्रधान से हमको इतना लाभ मिल गया है तो अब सोचते हैं कि अब से अन्य को जो है उसे हाथ पकड़ा जाए। लेकिन उसमें ये हुआ कि अभी चुनाव में जो हमारे विपक्ष जिसे हम हारे हैं उसने हमारे गाँव में गलत कमेंट करके जो है कुछ वादा किया, तुमको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नाते में जो है चुनाव हारे थे। इस समय आपको क्या लग रहा है कि आप फाइट में हैं? इस समय आपके आगे कोई है टक्कर में? नहीं, टक्कर में तो अब चुनाव है तो इसको तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी फाइट में तो चुनाव है, लेकिन हाँ 2-3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो भी हमारा फाइट कर रहे हैं। जी, अगर आप जीतते हैं हाँ तो जो है क्या आप जनता के लिए नया कुछ करेंगे? क्या नया हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि विकास तो सभी लोग करते हैं, बिल्कुल, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए कम से कम जैसे कि जो लाभ सरकार की तरफ से हम ला सकें, जनता के बीच हम डाल सकें, और जनता अगर खुश है तो हम भी खुश हैं। अब रही बात जैसे वृद्धावस्था पेंशन हुई या विकलांग पेंशन हुई या जो भी सुविधाएं हुई या राशन कार्ड संबंधी सूचना शिकायतें मिलना करती हैं, बैंक संबंधी जानकारियां काफ़ी ऐसी होती जिसमें गरीबों को प्रधान बनने बाद उनको ध्यान नहीं करता। तो हम ये चाहते हैं कि नए मतलब जैसे कि एक टीम बना दी जाए कि ये काम ये टीम करके बन के जाए, गरीब जो विकलांग बेचारे हैं जो बूढ़े चल नहीं पाते उनके जा करके कुछ बैंक संबंधी काम ऐसे कर जनता को लाभ मिल सके। पिछली बार जो प्रधान रहे आप जब हारे हाँ, तो 5 सालों में जो है जो प्रधान रहे उन्होंने क्या सारी योजनाओं का लाभ दिया जनता को? जो आवास का रहा मामला, आपका वृद्धा पेंशन का योजना रहा, आपका सोलर लाइट का मामला, RCC रोड का मामला रहा, तो क्या ये सब सुविधाएं जनता को मिली जो आपके अपोजिट जो जीते आपकी बात? हाँ, लगभग ऐसा हुआ है, इसीलिए जनता जो है हमें 2 साल से सारी भैया मैदान में आप आइए और ये विकास शैली ठीक नहीं है जी। और उन्होंने ऐसा कोई लाभ दिया नहीं? नहीं, लाभ दिया नहीं और इनकी कार शैली ठीक नहीं। क्या प्रधान जी गायब रहते थे गांव से? हाँ, बस उनका मेन अपना सिस्टम था कि अपना प्रधानी मिल गया, अपना मेन कामों पर फोकस करते थे, जिस काम से उनको लाभ नहीं मिला उसका इतना फोकस नहीं करते थे। कितने वोटर्स हैं जो है आपके गांव में जो ग्राम सभा? हमारी ग्राम सभा 26 वोटर। तो इसमें टोटल वोटर्स हैं या जो है किसी ने कटवा पिटवा भी दिया है उसको आपने? अरे वो तो हर बार थोड़ा बहुत 19-20 चलता भी रहता है, 10-20-50 वोट से बाहर रहते हैं तो आदमी करते तो उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। आदमी अगर यहाँ नहीं रह रहा, शहर में रह रहा है, उसका वहाँ वोटर नाम अगर है तो हम चाहते हैं कि रियल में आप सही काम हो। किसी भी प्रकार का जो है आपके ऊपर दबाव है इस चुनाव में विपक्ष के द्वारा, कोई प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर हमें कोई प्रेशर नहीं, हम बिल्कुल सानी खुदा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें कोई नहीं, जनता से हमें आकर्षण था, जनता ने हमें मान सम्मान दे रही है 2 साल से भी आप मैदान में आइए, उस नाते मैदान में आए जी। ऐसा तो नहीं कि जो है पिछले वाले जो प्रधान जी अब की बार जो थे हाँ उनकी तरह जो है आप ऐसा गायब हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ करने की हम चेष्टा भी नहीं रखते, इसलिए कि हमारा कार्यकाल जो कुछ चला रहा है, हमारे पिता 10 साल प्रधान रहे, फिर पिताजी 10 साल हो गए, फिर माताजी मेरी प्रधान नहीं, माताजी 10 साल हो गए, मेरी भाभी 10 साल प्रधान नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, कंटिन्यू जनता की सेवा किया है। और थोड़े बहुत कमियां जनता में प्रधान से भाई जनता इतनी बड़ी 5-5 गाँव लगते सब कुछ कुछ नहीं कर सकते, उसमें थोड़ी बहुत कुछ कमियां कार लोग नाराज हो गए थे उसी में हार गए थे, नहीं चुनाव हारते कहाँ। तो जो कमियां आपकी रह गई थी वो क्या बिल्कुल बताना चाहेंगे कि क्या कमियां रह गई थी? वैसे जनता कमियां दस में समान सीट थी, समान सीट थी दहर में भाई, सभी जाति के वर्ग के लोग रहते, मुस्लिम भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, लाला सिंह तो सभी जाते रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ एक मत बन गया था कि भाई जो है कि आपकी सीट चेंजिंग हुई है। अब पंडित जी भी चुनाव हार गए, हम भी चुनाव हार गए, जबकि लड़ाई हमारी उन्हीं दो लोगों में थी। अब की बार आपकी क्या जो एक अंतिम सवाल आपसे ये है जी कि अगर आप जीतते हैं तो जनता और युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे, कुछ नया जो? नहीं, नया तो हमें करने की सोच है, कुछ ऐसा किया जाए, प्रधानी सभी लोग करते हैं लेकिन कुछ नया ऐसा किया जाए जी।
क्या नया में करना है? मतलब जैसे कि आज के जमाने में जितना नव युवक लोग हैं, अगर देखा जाए तो खेल कूद के प्रति लोगों को ज्यादा जुटता है। हमारी पांच ग्राम सभा, हम चाहते हैं कोई बढ़िया सा जगह हमारी ग्राम सभा खेल मैदान, खेल मैदान हो, ठीक है। और जैसे कि महिलाओं के लिए भी कुछ चीजें ऐसी बनाई जाए जिससे कि महिलाओं को आगे बढ़ोतरी के लिए कुछ लाभ दिया जाए। स्वच्छता अभियान पर जो है प्रधान जी, ये बताइए कि स्वच्छता अभियान पर काफी सरकार फोकस कर रही है, हाँ। तो क्या सबके पास जो है ये जो बाथरूम का और जो लैट्रिन बाथरूम का जो एक मामला है वो सबके पास आपके ग्राम सभा में लगभग हो गया? नहीं, हो गया है लगभग, लेकिन उसका उपयोग लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी लगभग 70-80% लोग उपयोग कर रहे हैं, 25-30% लोग अभी नहीं कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि उसको जागरूक एक रैली निकाल करके लोगों को जागरूक किया जाए, जिसका लाभ आप लोग उठाइए। चलिए ईश्वर करें कि आप जो है जीते और जो है आप जो कमियां थी उसको आप पूरी, बिल्कुल बिल्कुल मेरी तमन्ना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।